हेलो स्टूडेंट, आज के जो वीडियो है उसमें हम लर्न करेंगे नीड और डेयर के बारे में कि नीड और डेयर के क्या क्या यूज होने वाले हैं एज ए मॉडल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों मॉडल आपके क्या हैं, मार्जिनल मॉडल हैं। और मार्जिनल मॉडल्स किन को बोलते हैं, वो मॉडल्स जो क्या काम करते हो, वर्ब का भी काम करते हो और उसके साथ साथ में मॉडल का भी काम करते हो, इसलिए इनको मार्जिनल मॉडल बोला जाता है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, वर्ब का काम करेंगे। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये एज ए मॉडल काम करेंगे। ठीक है, तो हमें लर्न क्या करना है, मॉडल्स के रूल। तो अभी हम देखेंगे कि नीड का प्रयोग एज ए मॉडल आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इन नेगेटिव सेंटेंसेज, आप नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नीड का प्रयोग करते हैं क्या दिखाने के लिए, टू शो द एब्सेंस ऑफ नीड। जहाँ ज़रूरत की कमी हो उस ज़रूरत की कमी को दर्शाने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेज में नीड को एज ए मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें, यू नीड नोट टेक एन अम्ब्रेला विद यू एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। आपको अपने साथ में छाता ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। ठीक है, यहां पर देखिए नीड नोट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि नोट एडिड सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बता रहा है, ये एब्सेंस ऑफ नीड, नीड की जरूरत वहां पर है ही नहीं, उसकी कमी है, ज़रूरत की कमी है वहाँ पर, क्योंकि बारिश रुक चुकी है तो छाता ले जाने का फ़ायदा क्या होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, यू नीड नॉट गो टू स्कूल एज इट इज हॉलीडे। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आज क्या है, छुट्टी है। सो हमने देखा कि आप नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, और क्या दिखाने के लिए, ज़रूरत की कमी को दर्शाने के लिए आप इसका यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वहाँ पर नीड के बारे में पर्सन पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में क्या करेंगे, टू आस्क अबाउट नीड, ज़रूरत के बारे में पूछा जाएगा, पर्सन पूछा जाएगा, नीड यू स्पीक सो फास्ट, क्या आपको इतना तेज बोलने की ज़रूरत है, नीड सी रन सो फास्ट टू कैच द ट्रेन, क्या उसको गाड़ी पकड़ने के लिए इतना तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ज़रूरत के बारे में पर्सन पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने नीड के यूज सीखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नीड का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें नीड के एब्सेंस को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की अगर बात करें तो आप नीड के बारे में पर्सन पूछते हैं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा डेयर, कि डेयर का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बात की कि डेयर भी क्या है, एक मार्जिनल मॉडल है। पॉजिटिव सेंटेंसेज में ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ये मॉडल के रूप में काम करता है। देखिए, अगर आप डेयर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेगा, टू शो द एब्सेंस ऑफ डेयरनेस, बहादुरी की कमी, डेयर का मतलब साहस होता है, साहस की कमी को दर्शाने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस में एज ए मॉडल डेयर का प्रयोग करते हो। जैसे कि ही डेयर नॉट जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग, वो इस इमारत पर से कूदने का साहस नहीं कर सका। ठीक है, ही डेयर नॉट गो इन द डार्क रूम एट नाइट
वो रात को उस अंधेरे कमरे में जाने का भी साहस नहीं कर सका। तो यहाँ पर क्या है, साहस की कमी है, एब्सेंस ऑफ डेयरनेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, टू आस्क अबाउट डेयरनेस, टू आस्क अबाउट डेयरनेस, यहाँ पर जरूरत के बारे में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, सॉरी साहस के बारे में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि साहस है कि नहीं है, डेयर यू कैच ए लॉयन बाइट स्टिल, क्या आप शेर को उसकी पूंछ से पकड़ने का साहस कर सकते हो, डेयर यू गो इन द प्रिंसिपल रूम, क्या आप में प्रिंसिपल के कमरे में जाने का साहस है, जो कोई नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं। तो डेयर का प्रयोग हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयरनेस के बारे में, साहस के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में साहस की कमी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो मॉडल नीड और डेयर, ये एज ए मॉडल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।